Hyderabad International School, CBSC plus exceed syllabus which is followed in 8 countries, modern plus Islamic education, 5-step activity based and playway method, launching separate branches for girls at Mogalpura and Khilwat, no heavy मैं तेलंगाना चीफ मिनिस्टर केसीआर राव से गुजारिश कर रहा हूं कि आज हम एहतजाज करें ये मस्जिद के खिलाफ और कड़ी सी कड़ी इसको सजा होना है और इसको फांसी भी देना है। जल्द से जल्द हमारे मुसलमानों को ठंडक इसलिए जबिच मिलेगी अगर इसकी सिक्योरिटी में हमारे मुसलमान कोई भी भाई है उसको अंदर घुस के गोली मार दो साले को। बस हम ये इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोल सकते। हमारे बस में अगर हैदराबाद में रहता तो हम घुस के घर में से निकाल के मारते थे। बस हमारी ये है, हमारी मोहब्बत ये है, हम आपसे और सबके वास्ते जो कुछ भी कर सकते। बस बहुत बहुत शुक्रिया। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम वसीम रजवी मलऊन के ख़िलाफ़ एहतजाज दर्ज कराने के लिए यहाँ पर सब जमा हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस हमारे लिए, हमारे जान, हमारे माल और सब कुछ निछावर है सरकार के ऊपर। सरकार की शान के लिए, आपकी अज़मत के लिए, आपकी नामूस के लिए हम सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। ये दिखाने के लिए और एहतजाज दर्ज कराने के लिए आज हम सब यहाँ पर जमा हैं, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस सारी दुनिया के लिए एक अमन व अमान का एक ज़रिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ही हैं जो दुनिया में अमन फैलाए हैं। इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, इस्लाम सब के लिए रहमत है। इस्लाम का मतलब ही यही है कि इस्लाम का मतलब है सलामती वाला, जिसमें किसी किस्म की ना शर है ना दहशतगर्दी है। इस्लाम अमन व अमान सिखाता है, इस्लाम भाईचारगी सिखाता है। लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की शान की बात आए तो मुसलमानों को आज हम जो एहतजाज यहाँ पर दर्ज करा रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों को हिंदुस्तानी आइन पर यकीन है, मुसलमानों को हिंदुस्तानी दस्तूर पर यकीन है, इसलिए आज हम सब यहाँ पर जमा होकर हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई बेदबी करेगा, कोई गुस्ताखी करेगा तो उसके ख़िलाफ़ कानून बनाया जाए और फिलफौर इस मलऊन वसीम रजवी को फौरी गिरफ़्तार किया जाए। ये हम सब का मुतालबा है, हमारे मुतालबे को हुकूमत कबूल करें और इस वसीम रजवी मलऊन को फौरी तौर पर गिरफ़्तार करें और इसको सज़ा दें, क्योंकि इसने करोड़ों मुसलमानों के दिलों को तकलीफ़ पहुंचाई है और दिलों को इसने तोड़ा है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात पर हमारा माल, हमारी जान और सब कुछ निछावर है। क्योंकि ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। तुम में का कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके पास उसके माँ बाप, उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब तरना हो जाऊँ। तो हम अपने माँ बाप से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हुजूर से मोहब्बत करते हैं। इस बात का सबूत है कि आज हम यहाँ पर जमा हैं। अगर यहाँ पर कोई भी हो, चाहे मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, जो कोई भी हो, अगर कोई किसी के बाप को गाली दे तो वो बेटा बर्दाश्त नहीं करता, फौरी पलट कर अपने बाप को दिए जो गाली देता है उसको जवाब देता है। कि हमने जो एहतजाज मुनज़्ज़म किया है इसका मकसद ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जो वसीम रिजवी, जो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी किया है और नाज़ेबा कलिमात बके हैं, उसके ख़िलाफ़ जो है हम यहाँ पर जमा है, बिलख़ुसूस मुस्लिम बाग के नौजवान यहाँ पर जमा है। तो हमारा मुतालबा ये है कि जो हिंदुस्तान की हुकूमत है वसीम रिजवी को, मलऊन को जो तहफ़ दी हुई है, फौरन जो है उस तहफ़ को ख़त्म करें और फौरन जो है उसको गिरफ़्तार करें और गिरफ़्तार करके उसको सूली पर चढ़ाया जाए। इसलिए कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों के इसने जो है ठेस पहुंचाई है, जो हमारे इस्लाम की जान है, जो हमारे ईमान की जान है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी न सिर्फ़ हिंदुस्तान के मुसलमान, कोई भी चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में मुसलमान हो, बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त करता है, कर सकता है, लेकिन
प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो लिहाजा हमारे हिंदुस्तान के हुकूमत से ये मुतालबा है कि फौरन उसको गिरफ़्तार करें और उसके खिलाफ जो है इसके खिलाफ गिरफ़्तारी का वारंट जारी करें और उसको सजाए मौत दी जाए। यही हमारा हिंदुस्तानी हुकूमत से और पुलिस से मुतालबा है और इसी वजह से हम यहाँ पर जमा हैं और कंप्लेन जो हम लाए हैं हम जो है इंशाअल्लाह ताला अगर अंदर जाकर पेश करेंगे, फौरन इस पर जो है कार्रवाई शुरू की जाए, बस यही हमारा मुतालबा है। अबरार फैशन फैब्रिक्स मल्टी ब्रांडेड फैशनेबल टेक्सटाइल शोरूम रेमंड्स रीड एंड टेलर सियाराम और डिग जैम जैसी कंपनीज का कलरफुल कलेक्शन सूटिंग्स शर्टिंग्स के अलावा डिजाइनर शेरवानी डिजाइनर सूट्स जोधपुरी सदरी कुर्ता पजामा और पगड़ी बेहतरीन सिलवाई के साथ आपकी हर पसंद का लिहाज वाजिबी दाम में बिल्कुल ही नए स्टॉक के साथ आपकी तशरीफ आवरी के मुंतजिर। बदलते फैशन के हम कदम अबरार फैशन फैब्रिक्स मूसा बोली बिसाइड पिस्ता हाउस हुसैनी आलम रोड हैदराबाद।